हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है जय टेक्निकल क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ट्रेनिंग रिपोर्ट जो कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस, नरोड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन डिस्ट बुलंदशहर, ट्रेनिंग कम्प्लीट होने के बाद तैयार किया गया है। आप सभी लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो डिप्लोमा सेकेंड ईयर और बीटेक के स्टूडेंट सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर में होते हैं, तो उन्हें 1 मंथ की ट्रेनिंग समर वोकेशन ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है, जो कि जिस इंस्टीट्यूट में इंजीनियरिंग का स्टडी कर रहे स्टूडेंट होते हैं वहाँ से एक लेटर इशू होता है। उस लेटर को इंडस्ट्रीज में ले जाके एफिडेविट एंड अपने डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट करी जाती है। उसी के क्रम में आज हम नरोड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन, आपने जैसे स्क्रीन पे देखा होगा नरोड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर द्वारा एक ट्रेनिंग रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसके बारे में हम आप लोगों को अवेयर करेंगे। जो भी स्टूडेंट नरोड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से ट्रेनिंग करना स्टार्ट करेंगे या करने होंगे, वह इस वीडियो को क्लियरली स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें। आपको बहुत सारे जो ट्रेनिंग से संबंधित नॉलेज आप वहाँ पे गेन करेंगे। कुछ इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आप पहले से अवेयर होंगे तो काफ़ी आपके लिए बेस्ट होगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको सर्टिफिकेट, जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, जो कुछ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इस फॉर्मेट में अवेलेबल होगा। आपका सिग्नेचर एंड सील ऑफ ट्रेनिंग मैनेजर जिस भी इंस्टीट्यूट में या फिर अपने नरोड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन के लिए अभी हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ का सिग्नेचर और सील ऑफ ट्रेनिंग मैनेजर का यहाँ पर स्टैंप लगा होगा आफ्टर डेट कम्प्लीसन योर 30 डेज ऑफ ट्रेनिंग पीरियड एंड आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस आर बी इंडिकेटिंग इन दिस सर्टिफिकेट एज लाइक एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, एवरेज, पुअर एंड योर नेम आल्सो मेंशन दिस इज सर्टिफाइड दैट मिस्टर हैज़ पार्शियली कम्प्लीटेड नॉट कम्प्लीटेड ट्रेनिंग इन आवर ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रियल ड्यूरिंग द पीरियड जिस डेट से आप ज्वाइनिंग करेंगे और जिस डेट को आप लिविंग करेंगे वो सारे आपके डेटा मेंशन रहेंगे। नेक्स्ट, डियर, हमने भी नरोड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन पे विजिट किया है, तो इसलिए एज वी नो डैट एन इंजीनियर हैज़ टू सर्व एन इंडस्ट्रीज प्लेस में, हम और एक इंजीनियर्स के होने के नाते काफ़ी टाइम जो आपको सर्वाइव करना होता है वो एक इंडस्ट्रीज में करने होते हैं। फॉर डैट वन मस्ट बी अवेयर ऑफ इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट, और ज़रूरी है अवेयर होना इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट से। डियर मैनेजमेंट प्रॉब्लम एंड दे वे ऑफ वर्किंग आउट देयर सॉल्यूशन एट द इंडस्ट्रीज, और वहाँ के मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स और वे ऑफ वर्किंग आउट देयर सॉल्यूशंस, और वहाँ पे इसके सॉल्यूशंस जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं वहाँ पे उनके सॉल्यूशन को कैसे एक इंडस्ट्रीज में किया जाता है वो सारी चीज़ें आप अवेयर होंगे। आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ द कोर्स एन इंजीनियर मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ इंटर रिलेशन बिटवीन द थ्योरी एंड द प्रैक्टिकल। जब आप इस ट्रेनिंग पीरियड को कंप्लीट करेंगे, इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे, तो जो इंजीनियर है उनको ज़रूरी है कि जो उन्होंने इंस्टीट्यूट में थ्योरेटिकल नॉलेज को गेन किया है अब उसको प्रैक्टिकल रियल लाइफ में प्रैक्टिकल फॉर्म में इंफॉर्म करें, थ्योरी और प्रैक्टिकल को इंटर रिलेशन बनाएं, क्रिएट इंटर रिलेशन, वेरी गुड इंटर रिलेशन क्रिएट करें थ्योरी एंड प्रैक्टिकल में। फॉर दिस वन मस्ट बी फैमिलियर विद द प्रैक्टिकल नॉलेज एंड द थ्योरी एस्पेक्ट, वह मशीनों के साथ और इंडस्ट्रीज में लोगों के साथ, वहाँ के सिस्टम के साथ, वहाँ के इन्वायरमेंट के साथ फैमिलियर हो, उनको अच्छी तरीके से घुल मिल जाए, उन चीज़ों को जान पाए। क्लियर,
टू अवेयर द प्रैक्टिकल नॉलेज द इंजीनियर कोर्स प्रोवाइड अ 6 week इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वेयर वी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू गेट थ्योरी अप्लाइंग फॉर रनिंग द वेरियस प्रोसेस एंड प्रोडक्शन इन इंडस्ट्रीज। आप वहाँ के प्रैक्टिकल नॉलेज को भी गेन कर पाए इंजीनियरिंग कोर्स द्वारा, जो आपके 6 weeks के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, समर वोकेशन ट्रेनिंग जिसे कहते हैं, वेयर वी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू गेट थ्योरी अप्लाइंग फॉर रनिंग द वेरियस प्रोसेस एंड प्रोडक्शन इन इंडस्ट्रीज, जहाँ पे आप अपने थ्योरेटिकल नॉलेज को आपको अप्लाई करने का एक सुनहरा अवसर मिलता है इंडस्ट्रीज में, कि जो हमने थ्योरी इंस्टीट्यूट से गेन किया है उस थ्योरी के बेस पे हम चीज़ों को प्रैक्टिकल फॉर्म में कितना रिलेट कर पाते हैं, इंडस्ट्रीज में जो वर्क परफॉर्म हो रहे हैं, जो प्रोडक्शन हो रहे हैं, उससे हम कितना रिलेट कर पाते हैं, कौन कौन से वेरियस प्रोसेस हो रहे हैं, वह सारी चीज़ें जब हम ट्रेनिंग के लिए इंडस्ट्रियल विजिट के लिए जाते हैं तो हमारे माइंड ओपन होना स्टार्ट हो जाते हैं, उन चीज़ों को धीरे धीरे समझना स्टार्ट करते हैं। क्लियर। आई हैव बीन लकी इनफ टू गेट अ चांस फॉर अंडरगोइंग द ट्रेनिंग एट नरोड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन। स्पेशली लकी है, बहुत भाग्य हमारा कि एक अवसर मिल रहा है नरोड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन में ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग जाने के लिए। क्लियर। इट इज़ ए कंस्टिट्यूंट बोर्ड ऑफ NPCIL। दिस रिपोर्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज एक्वायर्ड बाय मी ड्यूरिंग माय ट्रेनिंग पीरियड ऑफ 30 days एट द प्लांट। अभी आपके सामने जो ट्रेनिंग का रिपोर्ट स्क्रीन पे शो हो रहा है, यह खुद के जो एक्सपीरियंस किया गया है नरोड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन में 30 days के दौरान प्लांट के बारे में, उसके बारे में आपको अवेयर कराया जा रहा है। इसी क्रम में एक्नॉलेजमेंट, इट वॉज हाईली एजुकेटिव एंड इंटरेक्टिव टू टेक ट्रेनिंग एट नरोड़ा पावर एटॉमिक स्टेशंस। यह बहुत ही हाईली एजुकेटिव है, बहुत ही इंटरेक्टिव है ट्रेनिंग लेना नरोड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन में। एज टेक्निकल नॉलेज इज इनकम्प्लीट विदाउट प्रैक्टिकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज आपका कंप्लीट नहीं है जब तक कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ना अच्छे से आ पाए। आई कुड नॉट फाइंड एनी प्लेस बेटर देन दिस टू अपडेट माई सेल्फ। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म या बेटर प्लेस हमें नहीं मिल पाएगा एज माई अपडेट माई सेल्फ। ओके, सो जिस टाइम में यह ट्रेनिंग रिपोर्ट प्रेजेंट किया गया था लगभग 2016 and 2017 के दौरान, तो अभी उस टाइम करंट टाइम में 2017 या 2016-15 में जो आपके स्टेशन डायरेक्टर थे वह श्री DS चौधरी थे। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द स्टेशन डायरेक्टर श्री DS चौधरी एंड ट्रेनिंग सुप्रिटेंडेंट श्री G शर्मा फॉर अलाउिंग मी फॉर द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एट NAPS। थैंक टू श्री खगेश चंद्रा फॉर देयर वैल्यूएबल गाइडेंस ड्यूरिंग माई प्रोजेक्ट। आई ऑल्सो टेक द अपॉर्चुनिटी टू थैंक्स न्यूक्लियर ट्रेनिंग सेंटर फॉर प्रोवाइडिंग लेक्चर ऑन ओवरव्यू ऑफ द प्लांट एंड प्रोवाइडिंग मी अरेंज क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे इंडेक्स शो हो रहा है, इसमें आपके बहुत सारे सीरियल नंबर और डिस्क्रिप्शन है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू NAPS के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट NAPS प्लांट लेआउट एंड थर्ड नंबर सम इम्पॉर्टेंट डेटा ऑफ NAPS एंड नंबर 4 न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया, नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, नंबर 6 न्यूक्लियर रिएक्शंस, नंबर 7 हैवी वाटर एंड इट्स यूजेज, नंबर 8 मॉडरेटर सिस्टम, नंबर 9 प्राइमरी हीट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, नंबर 10 रिएक्टर फ्यूल, 11 नंबर शट डाउन सिस्टम,
12 नंबर सिस्टम साइकिल, 13 नंबर मेन कंट्रोल रूम, 14 नंबर इम्पोर्टेंट मेजरमेंट एट नैप्स, 15 नंबर प्रेशर मेजरमेंट, 16 टेम्परेचर मेजरमेंट, 17 लेवल मेजरमेंट, 18 फ्लो मेजरमेंट, 19 कंट्रोल मेंटेनेंस सेक्शन, 20 कंट्रोल रूम कंप्यूटर सिस्टम, 21 सिस्टम डिस्क्रिप्शंस, 22 कम्युनिकेशन सिस्टम, 23 वी सेट, 24 पब्लिक एड्रेस सिस्टम एंड 25 द लास्ट रेफरेंस. यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन. इंट्रोडक्शन टू नैप्स. वन ऑफ द चीफ एम्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इज द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इकोनॉमिक जनरेशन एज एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर व्हेन इन ड्यू कोर्स द कन्वेंशनल सोर्स विल बी एग्जॉस्टेड इन द कंट्री. जो एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट है उसका मेन डेवलपमेंट न्यूक्लियर एनर्जी है, जो कि इकोनॉमिक जनरेशन के लिए, इकोनॉमिकली वेव के लिए बहुत ही आगे है. एज एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, एसी इलेक्ट्रिक पावर सोर्स के फॉर्म में जो कन्वेंशनल सोर्सेस हैं उसको एग्जॉस्ट किया जा रहा है अपने देश में. पेट्रोलियम प्राइसेस आर इस्केलेटिंग. द अमाउंट ऑफ कोल रिक्वायर्ड फॉर 400 MWE पावर जनरेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ 5×10⁶ KGPS पर डे. तो यहाँ पे आपके जो कैपेसिटी है आपके पावर स्टेशन के, वह सेम 200 kg ऑफ एटॉमिक फ्यूल पर डे कंजप्शन होते हैं फ्यूल का, और फ्यूल के फॉर्म में आपके कोल का यूज़ किया जाता है जो कि आपके 5×10⁶ KGS पर डे है. नरोरा अ स्मॉल एंशियंट विलेज. नरोरा एक बहुत ही छोटा और पुराना आपका एक गांव है. इज इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ होली रिवर गंगा. यह जो लोकेशन है वह बैंक ऑफ होली रिवर गंगा के पास में सिचुएटेड है. इन द डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर. बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है और बुलंदशहर आपका उत्तर प्रदेश स्टेट के अंतर्गत एक डिस्ट्रिक्ट है. द प्लांट इज अबाउट 60 किलोमीटर फ्रॉम अलीगढ़. जो यह नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन है वह 60 किलोमीटर अलीगढ़ की रेंज में है. अलीगढ़ से 60 किलोमीटर यह आपका नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन है. विच इज़ द नियरेस्ट पॉपुलेशन सेंटर. सबसे नियरेस्ट जो पॉपुलेशन सेंटर है आपका वह अलीगढ़ है, जो कि 60 किलोमीटर नरोरा से डिस्टेंस है. और फिर आपका देख सकते हैं विद द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन विद नॉर्थर्न ग्रिड थ्रो 5 लाइन्स ऑफ 200 kV. नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन से 5 लाइन नॉर्थ साइड में 200 kV का है. और इस प्रकार से आप देख सकते हैं द नैप्स इज अ ट्विन यूनिट मॉड्यूल ऑफ 220 MW. अ नैप्स जो नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन है वह फोर्थ न्यूक्लियर पावर स्टेशन है इन द कंट्री आफ्टर तारापुर इन महाराष्ट्र, रावत भट्टा इन राजस्थान, कलपक्कम इन तमिलनाडु. नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में जो आपका पावर स्टेशन है वह भारत का चौथे नंबर का पावर स्टेशन है, इलेक्ट्रिक पावर न्यूक्लियर पावर स्टेशन है. किसके बाद तारापुर एक पावर स्टेशन है जो कि महाराष्ट्र में है, रावत भट्टा राजस्थान में, कलपक्कम तमिलनाडु में. नैप्स इज द फर्स्ट इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया. नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन भारत का पहला इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर प्लांट है. द स्टेशन हैज़ टू प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर विथ इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 220 MWE. जो स्टेशन है दो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर इसमें आपके इंस्टॉल है जिसकी कैपेसिटी 220 MWE. इच यूजिंग नेचुरल यूरेनियम एज फ्यूल. यहाँ पे नेचुरल यूरेनियम
एज अ फ्यूल के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। द स्टेशन इज कनेक्टेड टू हाई वोल्टेज नेटवर्क थ्रो फाइव 200 केवी लाइन्स। जो स्टेशन है वो कनेक्टेड है हाई वोल्टेज नेटवर्क से, किसके थ्रू? 5 200 केवी लाइन्स के थ्रू। 1 to मुरादाबाद, 1 to अटरौली, 1 to सिम्बोली एंड 2 to खुर्जा। क्लियर? 5 लाइन्स मुरादाबाद, अटरौली, सिम्बोली 3 और 2 आपके खुर्जा 200 केवी लाइन से कनेक्टेड हैं। इट इज डिजाइन फॉर बेस्ड लोड ऑपरेशन एज अ कॉमर्शियल स्टेशन। नेक्स्ट आपका, अभी आपके सामने नरोड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन का फ्रंट व्यू शो हो रहा है आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे फर्नेस टाइप का जो ईट भट्टी आप देखते हैं उसी टाइप का आपको फिगर में शो हो रहा है। हम इन चीज़ों के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ें क्या हैं। नेक्स्ट लेआउट आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। यू कैन सी हियर ऑन योर स्क्रीन रिएक्टर बिल्डिंग हाउस, द रिएक्टर प्राइमरी हीट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो रिएक्टर बिल्डिंग हाउस है वह रिएक्टर प्राइमरी हीट ट्रांसपोर्ट सिस्टम मान सकते हैं। मॉडरेटर सिस्टम, रिएक्टिविटी सिस्टम, फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम, सम ऑफ द एक्सिलरीज और फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम के कुछ सहयोगी जो आपके डिवाइसेस हैं। द टर्बो जनरेटर एंड इस एसोसिएट कन्वेंशनल इक्विपमेंट, इमरजेंसी डीजल सेट, कंट्रोल पावर एमजी सेट, स्टेशन बैटरीज, इलेक्ट्रिकल स्विच, गियर कंप्रेसर, चीलर्स एंड मेन कंट्रोल रूम आर लोकेटेड इन टर्बाइन बकलिंग। बोथ द यूनिट शेयर कॉमनली फैसिलिटी सच एज ए सर्विस बिल्डिंग स्पेन फ्यूल स्टोरेज बे SFSB एंड अदर एक्सिलरी डिवाइस सच एज अ हैवी वाटर अपग्रेडिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी। नेप्स हैव 2 नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग एंड 2 इंक्लूड ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स। क्लियर? जो नेप्स आपका है नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग और 2 इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स आपको दिख रहा है। अब आप समझ सकते हैं यह जो आपके स्क्रीन पे फर्नेस ईंट भट्टी की तरह जो आपको शेप दिखाई दे रहा है एक कूलिंग टावर है। इसका मेन वर्क हीट को रिड्यूस करना, आफ्टर दैट द बम्बार्डमेंट ऑफ बम्बार्डमेंट बाई इलेक्ट्रॉन एट द यूरेनियम 235। तो इन प्रोसेस के बारे में भी हम वी आर लर्न अबाउट दिस प्रोसेस नेक्स्ट इन दिस। सो यू कैन सी हियर नेप्स हैविंग द फॉलोइंग मेन पार्ट्स। यू सी हियर ऑन द फिगर दैट इज द टॉप व्यू ऑफ द प्लांट नेप्स। यह आपका नरोड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन का टॉप व्यू है जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है फिगर में। आप इसमें देख सकते हैं जो मेन पार्ट्स में फर्स्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, सेकेंड डोमेस्टिक वाटर हेड टैंक, थर्ड कैंटीन, फोर्थ NDCT, फिफ्थ स्विच यार्ड, सिक्स स्टैक, सेवन सर्विस बिल्डिंग, एट सप्लीमेंट्री, नाइन रिएक्टर बिल्डिंग, 10 प्यूरिफिकेशन बिल्डिंग, 11 टर्बाइन बिल्डिंग एंड 12 पंप हाउस। नेक्स्ट सम इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ नेप्स। तो कुछ डेटाज हैं हम उसको आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं। डेटा स्पेसिफिकेशन, ट्रांसमिशन लाइन 5 है। नरोड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन का ट्रांसमिशन लाइन 5 है जिसको हमने पहले ही आपके साथ शेयर किया है। क्लियर? 220 केवी नरोड़ा मुरादाबाद सिंगल लाइन, 220 केवी नरोड़ा हरदुआगंज सिंगल लाइन, 220 केवी नरोड़ा सिम्भोली सिंगल लाइन, 220 केवी नरोड़ा खुर्जा डबल लाइन। यह 5 आपके हैं, एक सिंगल लाइन मुरादाबाद, दूसरा सिंगल लाइन हरदुआगंज, तीसरा सिंगल लाइन सिम्भोली और 2 आपके डबल, 2 सिंगल सिंगल लाइन डबल लाइन हो गए आपके खुर्जा में 220 केवी नरोड़ा। स्टैक हाइट 142 मीटर्स, NDCT हाइट 128 मीटर्स, NDCT टॉप डायमीटर 58 मीटर्स, NDCT बेस डायमीटर 107 मीटर्स, स्टीम प्रेशर
48 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड पीएसटी प्रेशर 87.0 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। कूलेंट ट्यूब्स 306 एंड नंबर ऑफ फ्यूल बंडल्स इन वन चैनल 12। फ्यूल बंडल वेट 15 केजीएस। नंबर ऑफ बंडल्स इन अकोर 3672। कंडेंसर वैक्यूम 680 mm ऑफ HG। RB डिजाइन प्रेशर 1.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जी। स्टेशन लोड 18-20 MWE। जनरेटर पावर 220 MWE। ग्रिड वोल्टेज 220 kV। ISO इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1401 सर्टिफिकेशन 19 अगस्त 1999। You can see here on the next page, nuclear power station in India. Capacity of running India's atomic power station given as. NETS 1 and 2 Tarapur 2 into 160 MWE capacity and total capacity is 320 MWE. Second point, name of the unit and place, TAP, TAPPP. 3 and 4 Tarapur 2 into 540 MWE. The total capacity of the TAPPP 3 and 4 Tarapur 1080 MWE. Third, RAPS RAPS 2 Raut Bhatta 1 into 200 MWE capacity and total capacity 200 MWE. Fourth, RAPS 3 and 4 Raut Bhatta 2 into 220 MWE total 440 MWE. Fifth number RAPS 5 and 6 Raut Bhatta 220 MWE capacity and total 440 MWE. Next, fifth MAPS 1 and 2 Kalpakkam capacity 2 into 220 MWE and total 440 MWE. Seventh, NAPS 1 and 2 Narora 2 into 220 MWE and total 440 MWE. Next, 8 CAPS 1 and 2 Kakrapara 2 into 220 MWE and get finally 440 MWE. 9 KGS 1 and 2 Kaiga, the capacity is 2 into 220 MWE, total 440 MWE. 10th KGS 3 and 4 Kaiga, capacity 2 into 220 MWE and total 440 MWE. Principle of nuclear reactor. You can see here on the screen, a nuclear power reactor is only a source of heat. The heat being produced when the uranium atoms split fissions. जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है वह सोर्स ऑफ हीट है, हीट का एक सोर्स है। द हीट बेइंग प्रोड्यूस, हीट प्रोड्यूस किया जा रहा है कब? व्हेन द यूरेनियम एटम स्प्लिट फिजन, जब यूरेनियम एटम को फिजन प्रोसेस से स्प्लिट किया जाता है, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है। द हीट प्रोड्यूस स्टीम, जो हीट प्रोड्यूस करता है स्टीम को, विच डिराइव्स द टर्बो जनरेटर। हीट प्रोड्यूस होती है, स्टीम जनरेट होती है और स्टीम के वजह से आपके ड्राइव टर्बो जनरेटर के रोटेट करते हैं एंड आफ्टर दैट फाइनली वी गेट द प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। नेचुरल यूरेनियम द फ्यूल यूज इन दिस रिएक्टर, नेचुरल यूरेनियम को इस फ्यूल में आपके यूज किए जाते हैं रिएक्टर में। कंजिस्ट ऑफ टू टाइप्स आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम, नेमली जो यूरेनियम आपके एलिमेंट यूज किए जाते हैं वो आइसोटोप्स होते हैं, U-235 एंड U-238 इन द रेशियो ऑफ 1:139। इट इज़ द लेस एम्बिडेंट, दैट इज यूरेनियम-235 आइसोटोप्स दैट फ्यूजन एंड प्रोड्यूस एनर्जी। व्हेन अ यूरेनियम-235 एटम इज स्ट्रक बाय अ स्लो और थर्मल न्यूट्रॉन इन स्प्लिट इंटू टू आर मोर फ्रैगमेंट, जो यूरेनियम 235
235 एटम से उसको स्लोली न्यूट्रॉन के द्वारा बम्बार्डमेंट कराई जाती है, जो कि स्प्लिट इनटू टू आर मोर फ्रैगमेंट, जो कि दो या दो से अधिक फ्रैगमेंट में हो सकते हैं। स्प्लिटिंग एकॉम्पेनेंट बाय ट्रेमेंड हाउस रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो एनर्जी जनरेट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, रेडियो एक्टिविटी एंड टू आर थ्री फास्ट न्यूट्रॉन्स। दिस फास्ट न्यूट्रॉन विच फ्लाई आउट ऑफ द स्प्लिट एटम एट हाई स्पीड आर मेड टू स्लो डाउन विद द हेल्प ऑफ मॉडरेटर हैविंग वाटर, सो दैट दे हैव हाई प्रोबेबिलिटी टू हीट अदर 92 यूरेनियम 235 एटम विच इन टर्म्स रिलीज मोर एनर्जी एंड फर्दर सेट ऑफ न्यूट्रॉन एंड फ्यूजन्स। अटेनमेंट ऑफ सेल्फ सस्टेन फ्यूजन ऑफ यूरेनियम एटम्स इज कॉल्ड चैन रिएक्शन, जो आपके सेल्फ सस्टेन फ्यूजन प्रोसेस होते हैं यूरेनियम्स के एटम्स के, वह आपके चैन रिएक्शन कहलाते हैं। एट दिस स्टेज द रिएक्टर इज सेड टू हैव अटेंड क्रिटिकलिटी, जो आपके यह स्टेज है रिएक्टर्स के, वह बहुत ही आपके क्रिटिकली है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन, यू सी हियर ऑन द लेफ्ट साइड मॉडरेटर यूज फॉर द स्लो न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट एट द यूरेनियम 235 एंड फिजन प्रोसेस द यूरेनियम 235 डिवाइडेड टू एंड अगेन मॉडरेटर यूज फॉर स्लो द इलेक्ट्रॉन एंड अगेन थर्ड एंड ऑल्सो वी इंक्रीजेज इन द फॉर्म ऑफ यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ए चैन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट रिएक्टर साइकिल। हैवी वाटर यूज इन द रिएक्टर एज मॉडरेटर एंड रिफ्लेक्टर फॉर द न्यूट्रॉन्स एंड एज अ कूलेंट फॉर द रिएक्टर फ्यूल। हैवी वाटर को रिएक्टर में मॉडरेटर और रिफ्लेक्टर के लिए न्यूट्रॉन्स के कूलेंट्स को फ्यूल के फॉर्म में, रिएक्टर के फ्यूल के फॉर्म में यूज करती है। द टू फंक्शन आर सेपरेट, दोनों फंक्शन अलग अलग होते हैं। इच हैविंग इस ऑन क्लोज सर्कुलेटिंग सिस्टम, प्रत्येक के लिए यह सब अपने खुद के लिए क्लोज सर्कुलेटिंग सिस्टम के वर्क करती है। द फ्यूल कूलेंट सिस्टम इज कॉल्ड द प्राइमरी हीट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो फ्यूल कूलेंट सिस्टम है उसको प्राइमरी हीट ट्रांसपोर्ट सिस्टम नाम से जाना जाता है। एंड इज अ हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर सर्किट, इसमें हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर सर्किट है। द मॉडरेटर एंड द रिफ्लेक्टर सर्किट इज कॉल्ड द मॉडरेटर सिस्टम, मॉडरेटर और रिफ्लेक्टर सर्किट को मॉडरेटर सिस्टम नाम से भी जानते हैं या इसको पुकारते हैं। एंड इज अ लो प्रेशर लो टेम्परेचर सर्किट, जो कि आपका लो प्रेशर लो टेम्परेचर सर्किट होती है। द प्रेशर ट्यूब्स एंड कैलेंडेलिया ट्यूब्स आर इंसुलेटेड फ्रॉम इच अदर इन द रिएक्टर कोर बाय कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एनुलर स्पेस बिटवीन द कैलेंडेलिया ट्यूब्स एंड द कूलेंट ट्यूब्स। फिगर शो बिलो इज अ सिंप्लीफाइड सीमेटिक डायग्राम ऑफ द रिएक्टर साइकिल। हैवी वाटर एट 293 डिग्री सेंटीग्रेड इंटर्स द स्टीम जनरेटर ट्यूब टू ट्यूब रेज स्टीम फ्रॉम demineralized water in cell side for the turbine reactor returned back to reactor at 249 degree centigrade. The working pressure, which is the mean of the pressure in the reactor inlet and outlet heaters at 87.0 kg per centimeter. The working principle है कब जब mean of pressure in the reactor inlet and outlet का वह आपका 87.0 kg per centimeter square. क्लियर। द मॉडरेटर सिस्टम इज हैवी वाटर विथ कवर गैस एच हीलियम, जो मॉडरेटर सिस्टम है वह हैवी वाटर और वह कवर होता है हीलियम गैस के माध्यम से। कैलेंडेरिया ऑलवेज के फुली ऑफ हैवी वाटर अप टू 96% ऑफ लेवल, जो कैलेंडेरिया है आपके वह हमेशा के होते हैं हैवी वाटर अप टू 96% लेवल। रिमेनिंग वॉल्यूम इज कवर्ड बाई हेलियम गैस विच एक्ट एज अ कवर गैस टू अवॉइड डाउन ग्रेडिंग ऑफ मॉडरेटर D2O। ओके, एंड नेक्स्ट इज यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन PSWR सिंप्लीफाइड फ्लो डायग्राम। PSWR दैट मीन्स
प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, सिंप्लीफाइड फ्लो डायग्राम, मॉडरेटर D2O, सिस्टम सर्कुलेटिंग पंप टेक्स सेक्शंस फ्रॉम बॉटम अप कैलेंडेरिया एंड डिस्चार्ज बैक टू कैलेंडेरिया थ्रू मॉडरेटर हीट एक्सचेंजर फॉर मेंटेनिंग मॉडरेटर टेम्परेचर. मॉडरेटर इंटू अ कैलेंडेरिया इज एट मिडलेस पॉइंट फ्रॉम टू अपोजिट साइड. वर्किंग प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ मॉडरेटर सिस्टम आर 8 kg/cm² एंड 65 °C रिस्पेक्टिवली विथ अ कवर गैस प्रेशर ऑफ 0.25 kg/cm². दैट मीन्स कि जो आपके मॉडरेटर सिस्टम है 8 kg/cm और 65 °C कवर गैस की प्रेशर को मेंटेन करते हैं जब यह आपके वर्किंग प्रेशर होते हैं. क्लियर. इन ऑर्डर टू अवॉइड ई एस्केप एंड लॉस ऑफ एवी वाटर फ्रॉम पीएसटी मॉडरेटर सिस्टम, अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी इज मेंटेन बाय यूजिंग मल्टीपल सील एंड लीकेज कलेक्शन सिस्टम इन द लिक्विड फेज. D2O वाइपर रिकवर ड्रायर सिस्टम इज यूज फॉर वाइपर फेज करेक्शन. D2O जो वाइपर रिकवरी के लिए यूज किए जाते हैं ड्रायर सिस्टम का, वह वाइपर फेज कलेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं. नेक्स्ट आपका नीचे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर ऑन द दिस फिगर. सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है स्टीम इम्पेस, फिर आपके जनरेटर लगे हुए स्टीम जनरेटर, फिर उसके नीचे प्राइमरी पंप्स, उसके नीचे हेडर्स, उसके बाद कैलेंडेरिया, नेक्स्ट आपके फ्यूल और मॉडरेटर पंप, मॉडरेटर, मॉडरेटर हीट एक्सचेंजर. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो आपका यह है आपका मॉडरेटर हीट एक्सचेंजर है. क्लियर. जो हीट को एक्सचेंज करता है. क्लियर. या हीट को आपका एक्सचेंज कर देगा. ये आपका मॉडरेटर पंप है. क्लियर. और यहाँ पे आपके यूरेनियम फ्यूल होते हैं और ये पूरी जो आपकी ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है ये आपके कैलेंडेरिया है. क्लियर. और ये आपके हेडर्स है और यह आपका प्राइमरी पंप्स है और यहाँ पे आपके स्टीम जनरेटर शो हो रहे हैं. क्लियर. तो ये सारी प्रोसेस है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर के स्टीम पंप से ऊपर है. इसमें आपको जो स्काई कलर ब्लू कलर सॉरी स्काई कलर जो यह कलर आपका है वह लाइट वाटर को शो कर रहा है. जो वाइट कलर इसमें आपके है वह लाइट वाच स्टीम है और जो हैवी वाटर कूलेंट है वह आपके रेड कलर के पाइप के माध्यम से फ्लो हो रहे हैं हैवी वाटर कूलेंट. और जो ग्रीन कलर का आपको शो हो रहा है वो हैवी वाटर मॉडरेटर है. यू कैन सी हियर टर्बाइन एंड स्टीम साइकिल. अ रिलेटेड पावर 1.33 × 10⁶ kg/h ऑफ सैचुरेटेड स्टीम एट 39.7 kgf/cm² प्रेशर इज प्रोवाइडेड फॉर फोर स्टीम जनरेशन फॉर फोर स्टीम जनरेटर टू सप्लाई टू द टर्बाइन एट रेटेड पावर. जो इसका पावर रेटेड है 1.33 × 10⁶ kg/h ऑफ सैचुरेटेड स्टीम. क्लियर. एट 39.7 kgf/cm² प्रेशर जो प्रोवाइड किया जाता है किसके माध्यम से, फोर स्टीम जनरेटर के माध्यम से सप्लाई जो की जाती है टर्बाइन को. द टर्बाइन रेट एट 220 MW. जो टर्बाइन आपके प्रोड्यूस करके 220 MW इज अ टेंडेम कंपाउंड मशीन विथ वन हाई प्रेशर सिलेंडर एंड वन लो प्रेशर सिलेंडर विथ डबल फ्लो. एक साइड में हाई प्रेशर सिलेंडर दूसरे साइड में आपके लो प्रेशर सिलेंडर डबल फ्लो एक साथ होते हैं. फ्रॉम द आउटलेट ऑफ द HP सिलेंडर हाई प्रेशर सिलेंडर के आउटलेट से द स्टीम एट द प्रेशर ऑफ 5.6 kg/cm² पैसेज टू अ पेयर ऑफ मॉइस्चर सेपरेटर एंड देन टू अ पेयर ऑफ रीहीटर वेयर स्टीम इज हीटेड अप टू 233 °C फॉर एडमिशन टू द लो प्रेशर सिलेंडर. स्टीम एग्जॉस्टेड फ्रॉम द लो प्रेशर टर्बाइन इज कंडेंस्ड इन अ सिंगल पास कंडेंसर कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग अ वैक्यूम ऑफ
680 mm ऑफ एसडी वीट और एनडीसीटी, कुल वाटर टेम्परेचर ऑफ 32 डिग्री सेंटीग्रेड। द फीड वाटर इज हीटेड इन अ 6 स्टेज अप टू 171 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सेंट टू स्टीम जनरेटर। द स्टीम हीटर ड्रेन्स टू रिटर्न सेपरेटली टू स्टीम जनरेटर। न्यूक्लियर रिएक्शन, अभी आपको स्क्रीन पे दो न्यूक्लियर रिएक्शन शो हो रहे हैं। द बेसिक एटॉमिक एनर्जी वी गेट फ्रॉम द प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन ऑफ द 92 यूरेनियम 235 एटम विद द थर्मल न्यूट्रॉन। द टिपिकल फिजन रिएक्शन एज फॉलोज, अभी आपको स्क्रीन पे न्यूक्लियर रिएक्शन है जो आपको स्क्रीन पे 92 यूरेनियम 235 प्लस 0 न्यूट्रॉन 1, 38 SR 94 प्लस 54 XE 140 प्लस 2 0N1 प्लस Y हीट एनर्जी प्लस Y नेचुरल यूरेनियम ऑक्साइड। एंड सेकेंड इज 92 यूरेनियम 235 01 रिएक्शन 56 BA 141 प्लस 36 KR 92 प्लस 3 0N1 प्लस हीट एनर्जी प्लस Y। नेक्स्ट, द फ्यूजन प्रोसेस रिलीज एनर्जी, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस इज एज शो इन बिलो। न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की गई है और यह आपका फ्यूजन प्रोसेस है, तो जाहिर सी बात है कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होंगे हीट एनर्जी फॉर्म में, थर्मल एनर्जी फॉर्म में, तो उन चीज़ों को आप क्लियरली देख सकते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी के माध्यम से हीट एनर्जी काफ़ी क्वांटिटीज में प्रोड्यूस होंगे जो फॉर्मेशन ऑफ स्टीम, स्टीम के फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। वह स्टीम्स एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग टर्बाइन एंड जनरेटर के माध्यम से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एंड आफ्टर दैट वी कैन सप्लाई एट द मेन स्टेशंस, पावर हाउस एंड सब पावर हाउस, सब स्टेशंस, स्टेशंस विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन इन दिस पिक्चर यूरेनियम माइंस एंड मिल्स, कन्वर्जन टू ऑक्साइड, कन्वर्जन टू फ्यूल रिएक्टर, प्लूटोनियम प्रोसेसिंग, रिकवरिंग यूरेनियम, वेस्ट स्टोरेज बाय प्रोडक्ट। हैवी वाटर एंड इट्स यूजेज, हैवी वाटर इज यूज एज बोथ द मॉडरेटर एंड कूलेंट। जो आपके हैवी वाटर है वह मॉडरेटर और कूलेंट दोनों प्रकार के यूजेज के लिए होते हैं। हीट एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड बाई द कूलेंट फ्राम रिएक्टर टू द वर्टिकल इंटीग्रल यू टाइप्स इन सेल टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर्स विच फंक्शन एज अ बॉयलर टू प्रोड्यूस स्टीम एंड ड्राइव्स टर्बो जनरेटर। द हैवी वाटर D2O इज आइडेंटिकल टू द ऑर्डिनरी वाटर H2O एज फार एज द केमिकल प्रॉपर्टीज आर कंसर्नड। हाउ एवर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज देयर आर माइनर वेरिएशंस, देयर आर माइनर वेरिएशंस। बॉइलिंग पॉइंट 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ्रीजिंग पॉइंट 3.82 डिग्री सेंटीग्रेड। द ड्यूटोरियम D2 इन हैवी वाटर इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन H2 हैविंग 1 न्यूट्रॉन्स एंड 1 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। द एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन ऑफ हैवी वाटर फॉर न्यूट्रॉन इज फॉर लेस देन द ऑर्डिनरी वाटर विच हेल्प्स इन न्यूट्रॉन इकोनॉमी। जो हैवी वाटर और उसके यूज कहाँ कहाँ हो सकते हैं आप समझ सकते हैं, एज अ मॉडरेटर एंड कूलेंट के फॉर्म में, इनर्जी ट्रांसपोर्ट के माध्यम में जो आपके कूलेंट रिएक्टर वर्टिकल इंटीग्रेटेड यू टाइप्स के सेल जो होते हैं उसमें, हीट एक्सचेंजर के फॉर्म में जो आपके हैवी वाटर उसका यूज किया जाता है। विच फंक्शन एज अ बॉयलर टू प्रोड्यूस स्टीम, जो वाटर आपके हैं वह बॉयलर में स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए, जब आपके वाटर रहेंगे तो वही स्टीम फॉर्म में चेंज होंगे।
और फिर आपकी ड्राइव कर देंगे, टर्बो जनरेटर को स्टार्ट कर देंगे, उसको रन करा देंगे, और टर्बो जनरेटर से आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम हैवी वाटर और उसके यूज़ कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं मॉडरेटर सिस्टम। इन द मॉडरेटर मॉडरेटर सिस्टम्स, द मॉडरेटर सिस्टम इज अ हैवी वाटर द हेलियम सिस्टम। जो मॉडरेटर सिस्टम है आपके हैवी वाटर और हीलियम सिस्टम है। कैलेंडेरिया इज ऑलवेज फुल ऑफ मॉडरेटर अप टू 96% एंड रिमेनिंग वॉल्यूम इज कवर्ड बाई हीलियम गैस विच एक्ट एज कवर गैस। अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा कि कैलेंडेरिया जो ग्रीन कलर की थी और उसके नीचे आपके फ्यूल, तो आपके ऑलवेज फुल ऑफ मॉडरेटर 96% और रिमेनिंग उसके जो भी वॉल्यूम होते हैं आपके कवर्ड होते हैं हीलियम गैस के माध्यम से। वह काम किस प्रकार की करते हैं, एज ए कवर गैस। मॉडरेटर इज यूज टू स्लो डाउन एंड द स्पीड ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन। जो मॉडरेटर है उसका यूज स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसके स्पीड को, न्यूट्रॉन को। मॉडरेटर D2O सिस्टम सर्कुलेटिंग पंप टेक सक्शन फ्रॉम बॉटम ऑफ द कैलेंडेरिया एंड डिस्चार्ज बैक टू कैलेंडेरिया थ्रू मॉडरेटर हीट एक्सचेंजर फॉर मेंटेनिंग मॉडरेटर टेम्परेचर। क्लियर। वर्किंग प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ मॉडरेटर सिस्टम आर 8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 63 डिग्री सेंटीग्रेड रिस्पेक्टिवली। सो नेक्स्ट वी नो अबाउट प्राइमरी हीट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। द फ्यूल कूलेंट सिस्टम इज कॉल्ड द प्राइमरी हीट ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड इज अ हाई प्रेशर एंड हाई टेम्प। अभी आपको जो फ्यूल कूलेंट सिस्टम है वह आपका प्राइमरी हीट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और हाई प्रेशर एंड हाई टेम्प के टेम्परेचर सिस्टम भी कहलाते हैं। द कूलेंट ट्रांसपोर्ट दिस हीट टू द फोर सिस्टम जनरेटर। जो कूलेंट ट्रांसपोर्ट है यह फोर सिस्टम जनरेटर को कंसीडर करते हैं। फोर पंप्स मेंटेन द सर्कुलेशन थ्रू प्रेशर ट्यूब्स अराउंड द फ्यूल बंडल्स इच हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 360 मीटर पर आवर। द कूलेंट टेम्परेचर एट इनलेट एंड आउटलेट ऑफ अ रिएक्टर आर 249 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 293.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिस्पेक्टिवली एट द प्रेशर ऑफ 101 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 87 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। अ प्रेशरिंग पम्प मेंटेनिंग द सिस्टम प्रेशर यूजिंग ऑटोमेटिक फीड एंड ब्लीड प्रिंसिपल इंस्ट्रक्शंस रिलीफ वॉल्व एंड सुटेबल रेगुलेटिंग एंड प्रोटेक्टिव सिस्टम एक्शन लिमिट द सिस्टम प्रेशर टू 93.91 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। PST इज कॉन्स्टेंटली प्रेशराइज्ड एट 87 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर टू कीप इट इन लिक्विड फ्रॉम एट 295 डिग्री सेंटीग्रेड। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लाइट वाटर एरियाज हैव बीन सेपरेटेड फ्रॉम हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लाइट वाटर एरियाज ऑफ रिकवरिंग ऑफ हाई आइसोटोपिक प्योरिटी हैवी वाटर। प्राइमरी हीट ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आपने जाना किस प्रकार के जो कूलिंग सिस्टम है उस कूलिंग सिस्टम को प्राइमरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो हाई प्रेशर को कंसीडर कर रहा है, और इस प्रकार के जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है आपके वह फोर सिस्टम जनरेटर को कंसीडर किया हुआ है, कंजिस्ट किया हुआ है। फोर पंप मेंटेन किए जाते हैं सर्कुलेशन के माध्यम से, प्रेशर ट्यूब के माध्यम से, जो आपके फ्यूल्स बंडल्स आपके कैपेसिटी के जो होते हैं 360 मीटर क्यूब पर आवर्स के प्रत्येक आपके फ्यूल बंडल्स होते हैं, जिनकी जो कूलेंट टेम्परेचर इनलेट और आउटलेट की होती है रिएक्टर की, वह आपके इनलेट की 249 डिग्री सेंटीग्रेड और आउटलेट की 293.4 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। और प्रेशर आपके इनलेट के 101 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड आउटलेट के आपके 87 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। और जो प्रेशर पंप के मेंटेन किए जाते हैं वह सिस्टम के प्रेशर ऑटोमेटिक फीड ब्लीड प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट रिलीफ वाल्व के माध्यम से सूटेबल रेगुलेटिंग के माध्यम से प्रोटेक्टिव सिस्टम एक्शन लिमिट के अंतर्गत सिस्टम प्रेशर जो हमारे लिए 93.91 kg पर सेंटीमीटर के
अकॉर्डिंग उसको दिया जाता है। और यह तो आपके थे प्राइमरी हीट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। अब हम रिएक्टर फ्यूल के बारे में जानेंगे। फ्यूल फ्रॉम द रिएक्टर इंजिन द फॉर्म ऑफ बंडल्स 49.53 सेंटीमीटर लॉन्ग एट 8.17 सेंटीमीटर डाया एंड इच बंडल कंजिस्ट ऑफ 19 हर्मेटिकल सील जिरेकोली ट्यूब्स कंटेनिंग कंपैक्ट एंड सिंटर्ड पैलेस ऑफ नेचुरल यूरेनियम। 12 सच बंडल आर लोकेटेड इन ईच फ्यूल चैनल। रिएक्टर फ्यूल में आपके जो रिएक्टर होते हैं वह 49.53 सेंटीमीटर लॉन्ग 8.1 सेंटीमीटर डाया और सभी के जो बंडल्स होते हैं उन बंडल्स में 19 हर्मेटिकल सील जिरेकोली ट्यूब्स कंटेन होते हैं, उसमें कंपैक्ट होते हैं। जो पहले से आपके न्यूट्रल यूरेनियम के वह सिंटर्ड हैं और 12 आपके बंडल्स लोकेटेड होते हैं हर एक फ्यूल चैनल में। नेक्स्ट आपका है शटडाउन सिस्टम्स। नेब्स आर प्रोवाइडेड विथ टू डाइवर्स। जो नरोड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन आपको दो डाइवर्स प्रोवाइडेड करते हैं एंड इंडिपेंडेंट शटडाउन सिस्टम। क्लियर, जो इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं शटडाउन सिस्टम के लिए। वन फास्ट एक्टिंग एंड अदर स्लो एक्टिंग। एक आपका फास्ट एक्टिंग वर्क करेगा डाइवर्स जो नेप्स द्वारा प्रोवाइडेड, दूसरा आपका स्लो एक्टिंग वर्क करेंगे। द प्राइमरी शटडाउन सिस्टम हैज शट ऑफ मैकेनिज्म एट 14 लोकेशन इन द रिएक्टर। प्राइमरी जो शटडाउन सिस्टम है आपके वह शट ऑफ होते हैं मैकेनिज के लिए 40 लोकेशंस इन द रिएक्टर। ईच ऑफ द 14 मैकेनिज्म हैज कैडमियम सैंडविच स्टील एस न्यूट्रॉन एब्जर्विंग एलिमेंट। नॉर्मली दिस रूस आर पार्कड आउटसाइड को ड्यूरिंग पावर ऑपरेशन एंड फुली इन द इन ऑन अ ट्रिप सिग्नल। द रोड्स आर हेल्ड आउट ऑफ रिएक्टर कोर बाई रोप एंड ड्रम अरेंजमेंट। दीज रोड्स ड्रॉप इन द कोर अंडर ग्रेविटी वेन एवर अ ट्रिप सिग्नल इज रिसीव्ड एंड मेक द रिएक्टर सब क्रिटिकल इन लेस देन 2.3 सेकेंड। आप समझ सकते हैं कि जो ग्रेविटी है ट्रिप सिग्नल इज रिसीव्ड, जो हमें सिग्नल रिसीव होगा ट्रिपिंग का एंड मेक, और जो रिएक्टर को सब क्रिटिकल कंडीशन के लिए बनाता है वह लेस होगा इन लेस देन 2.3 सेकेंड। द सेकेंडरी शटडाउन सिस्टम इज अ फास्ट एक्टिंग बैकअप सिस्टम टू द प्राइमरी शटडाउन सिस्टम। जो सेकेंडरी शटडाउन सिस्टम है वह फास्ट एक्ट करता है बैकअप सिस्टम टू द प्राइमरी शटडाउन सिस्टम के कंपेयर में। दिस सिस्टम प्रोवाइड्स सफिशियंट रिएक्टिविटी वर्थ बाई प्रॉम्प्टिंग फिलिंग 12 वर्टिकल ट्यूब्स इन द रिएक्टर कोर विथ अ न्यूट्रॉन एब्जर्विंग लिक्विड लिथियम पेंटाबोरेट हाइड्रेट। द प्रिंसिपल इज सच दैट 4 मेन लिक्विडफाइड टैंक्स आर प्रेशराइज एंड द लिक्विड राइजेज अप इन लिक्विड ट्यूब्स लोकेटेड इन साइड रिएक्टर। इट मेक्स द रिएक्टर सब क्रिटिकल इन 1.4 सेकेंड। बोथ द शटडाउन सिस्टम आर बैक्ड बाई ऑटोमेटिक लिक्विड पॉइजन्स एडिशन सिस्टम इंजेक्शन कंट्रोल क्वांटिटी ऑफ बोरान इन टू द मॉडरेटर आफ्टर रिसीविंग द अप्रोप्रिएट सिग्नल टू इंश्योर गारंटीड सब क्रिटिकल ऑफ द रिएक्टर फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स। वेन एवर देयर इज अ टोटल बैक लॉट ऑफ द स्टेशन एंड ऑटोमेटिक लिक्विड पॉइजन्स सिस्टम इज नॉट अवेलेबल एडिशन ऑफ पॉइजन अंडर ग्रेविटी टू मॉडरेटर इज इनकॉर्पोरेटेड। नेक्स्ट स्टीम साइकिल। द टर्बाइन इज एन इम्पल्स रिएक्शन टाइप। जो आपके टर्बाइन यूज किए जाते हैं वह इम्पल्स रिएक्शन टाइप के टर्बाइन यूज किए जाते हैं। डिजाइन फॉर सेचुरेटेड स्टीम ड्यूटी। जो सेचुरेटेड स्टीम के लिए ड्यूटी के लिए डिजाइन किए जाते हैं। रिसॉल्विंग एट 300 आरपीएम। जो रिसॉल्व किया जाता है
3000 रिवॉल्यूशन पर मिनट विद द स्टीम कंडीशन ऑफ 39.71 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर एंड 0.26% वेट एंड 250.3 डिग्री सेंटीग्रेड एट इनलेट टू स्टॉप वाल द टर्बाइन इज रिएक्टेड एट 235 MEW इज अ टेंडेम कंपाउंड मशीन विथ वन हाई प्रेशर सिलेंडर एंड वन लो प्रेशर सिलेंडर। जो टर्बाइन आपका है वह सभी में 235 MEW कंपाउंड मशीन आपके होते हैं, एक में आपका हाई प्रेशर सिलेंडर और दूसरे में आपका लो प्रेशर सिलेंडर विद डबल फ्लो होती है। फ्रॉम द आउटलेट ऑफ द हाई प्रेशर सिलेंडर द स्टीम पासेस टू एयर ऑफ मॉइस्चर सेपरेट एंड देन टू अ पेयर ऑफ रिएक्टर वेयर स्टीम इज हीटेड अप टू 233 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 5.6 सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर एडमिशन टू द लो प्रेशर सिलेंडर। स्टीम एग्जॉस्टेड फ्रॉम द लो प्रेशर टर्बाइन इज कंसीडर्ड इन अ सिंगल पास कंडेंसर। स्टीम इज extracted from suitable stage of the turbine to provide for a 6-stage regenerative feed heating with a final feed water temperature of 171 degree centigrade। Now at the next point आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, you can see here on your screen जो एयर आपके इजेक्टर है यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, एयर इजेक्टर के ठीक ऊपर आपके लो प्रेशर हीटर्स 1, 2, 3, उसके आपके ऊपर डी रिएक्टर, उसके ऊपर बॉयलर फीड पंप, उसके ऊपर हाई प्रेशर हीटर 5 एंड 6 एंड देन आपके बॉयलर एंड देन आपके हाई प्रेशर टर्बाइन, उसके बाद मॉइस्चर सेपरेट एंड रिएटर, उसके बाद लो प्रेशर टर्बाइन, फिर आपके कंडेंसर और इसी प्रकार से एयर इजेक्टर है। सारी प्रोसेस हमारी रन करती रहती है। एयर इजेक्टर से लो प्रेशर हीटर, लो प्रेशर हीटर से डी रीहीटर, उसके बाद बॉयलर फीड पंप, उसके बाद हाई प्रेशर हीटर 5 एंड 6, नेक्स्ट बॉयलर, बॉयलर से आपके हाई प्रेशर टर्बाइन, आफ्टर दैट मॉइस्चर सेपरेट एंड रिएटर, फिर लो प्रेशर टर्बाइन एंड आफ्टर दैट कंडेंसर एंड फाइनल फिर एयर इंजेक्टर। तो इस प्रकार से प्रोसेस आपके रन करते हैं एज यू सी ऑन दिस फिगर। नाउ मेन कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम एज द नेम सजेस्ट what it is, it is a place from where every instrument devices etc can be controlled in either field or reactor building। जो main control room है उसमें आपके सभी devices आपके होते हैं जिसके माध्यम से controlling किया जा सकता है सभी प्रकार के field को जो भी आपके reactor building से संबंधित हैं। control room is the most important place in any nuclear reactor power plant। जो control room है सबसे important आपका स्थान है किसी भी nuclear power plant के लिए। It is a place which has full control over the reactor and all its peripheral। यह एक ऐसा स्थान है जिसके माध्यम से पूरे संपूर्ण controlling reactor के और उसके जो भी आपके पेरिफेरल हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। इट हैज़ सेपरेट सिस्टम वाइज पैनल्स फॉर बोथ यूनिट। यहाँ पे आपके सेपरेट सिस्टम वाइज पैनल होते हैं अलग अलग यूनिट्स के। वन एनी एरर इन एनी डिवाइस और सिस्टम आर इंडिविजुअल इंडिकेशन इज प्रोड्यूस इन द कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम के माध्यम से कोई भी आपकी त्रुटि होती है किसी भी डिवाइस में या सिस्टम में तो उसको इंडिविजुअली हम मैसेज इंडिकेशंस प्रोड्यूस कर सकते हैं पर्टिकुलर डिवाइस के लिए, पर्टिकुलर उस सिस्टम्स के लिए। कहाँ से? इन द कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम से इट आल्सो हैज़ फुली हैंडलिंग पैनल फ्रॉम वेयर स्टाफ मेंबर कैन सी द कैलेंडेरिया चैनल बाय सीसीटीवी कैमराज एंड रिफ्यूलिंग इज डन फ्रॉम दिस पैनल ऑनली। यहाँ पे आपको फ्यूल हैंडल कैसे किया जाता है, पैनल फ्रॉम वेयर स्टाफ मेंबर, जो यहाँ के स्टाफ मेंबर होते हैं कैन सी, देखते रहते हैं हमेशा कैलेंडेरिया चैनल को, सीसीटीवी कैमरे की हेल्प से कैलेंडेरिया चैनल हमेशा 24 आवर्स निगरानी में रहती है कि यहाँ पे फ्यूल किस प्रकार से कैसे हैंड ओवर किया जा रहा है, क्योंकि एक फ्यूल आपके
मिसयूज से काफ़ी सारे आपके डिसएडवांटेज प्रोड्यूस कर सकता है। एनवायरनमेंट काफ़ी वहाँ का ख़राब कर सकता है, काफ़ी लोगों की जान जा सकती है। तो इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन टू हैंडल फॉर मेन रिस्क ऑफ दिस प्लांट। टू प्रेजेंटेड ऑपरेटेड विद द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन इन अ कम्पैक्ट ओवरऑल फैशन एंड रिड्यूस द लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्डर्स मेटर्स एंड एनाउंसिएटिंग विंडोज इन यूज इन द अर्लियर प्लांट्स। यहाँ पे ऑपरेटर के माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन जरूरी है उनको कंपैक्ट किया जाता है, ओवरऑल जितने भी आपके फैशन या फिर रिड्यूस किए जाते हैं लार्ज नंबर में रिकॉर्ड को, क्लियर, मीटर्स एंड एनाउंसिएटिंग विंडो के माध्यम से यूज किए जाते हैं अर्लियर प्लांट्स के लिए। अ कंप्यूटर बेस्ड ऑपरेटर इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर बेस्ड जो इंफॉर्मेशन आपके ऑपरेटर सिस्टम होते हैं इज इंट्रोड्यूसर टू नैप्स, नैप्स को इंट्रोड्यूस करते हैं टू कॉल्ड एज अ कंट्रोल रूम कंप्यूटर सिस्टम। इसको हम कंट्रोल रूम कंप्यूटर सिस्टम जिसको शॉर्ट में CRRS नाम से जानते हैं। दिस सिस्टम इज डिजाइंड एज प्योरली इंफॉर्मेटिव सिस्टम, यह सिस्टम आपके प्योरली इंफॉर्मेटिव सिस्टम के लिए डिजाइन किए गए हैं विथ नो कंट्रोल फीचर्स सिस्टम्स बेइंग इंक्लूड इन दिस सिस्टम। इस सिस्टम में कोई भी आपके कंट्रोल फीचर की सिस्टम कोई भी आपके इंक्लूड नहीं है। दिस इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन एनी डिजाइन फॉर्मेट एंड अलार्म अनाउंसिएशन आर प्रोवाइड बाय कलर CRT डिस्प्ले। कैथोड रे ट्यूब के माध्यम से डिस्प्ले पर आपको जो भी अलार्म अनाउंस किए जाते हैं वह आपके प्रोवाइड किए जाएंगे, जो भी इंफॉर्मेशन होंगे वह प्रेजेंट किए जाएंगे। द स्टैंडर्डाइजेशन इनपुट सिग्नल इज यूज CRCS, जो आपके स्टैंडर्डाइजेशन इनपुट सिग्नल है वह आपके CRCS कंट्रोल रूम कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से प्रयोग में किए जाएंगे। द इनपुट सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड एट 0.5 to 4.5 volt, एट जीरो सिग्नल रिकॉर्डिंग इज 0.5 V एंड फ्यूल सिग्नल रीडिंग इज 4.5 V। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रो सिग्नल फ्रॉम सेंसर इज रिप्रेजेंटेड इन टू द स्टैंडर्ड फ्रॉम बाय सिग्नल कंडक्शन कंडीशनिंग मॉड्यूल्स SCM। देयर आर सेपरेट SCM दैट मीन्स द फुल फॉर्म सिग्नल कंडीशनिंग मॉड्यूल्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल। दिस SCM आर सेपरेट फॉर बोथ यूनिट्स एंड ऑल द लोकेटेड कंट्रोल रूम कंप्यूटर सिस्टम इटसेल्फ। मोरओवर ऑल द पेपरलेस रिकॉर्डिंग इंस्टॉल एट नैप्स आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर थ्रू लैन वेयर। यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन, दिस इज अ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिग्नल कंडीशनिंग मॉड्यूल एंड कंट्रोल रूम कंप्यूटर सिस्टम। ओके, दैट इज अ मेन कंट्रोल रूम कंप्यूटर सिस्टम। चैनल टेम्परेचर एंड मॉनिटरिंग सिस्टम्स जिसको बोलते हैं शॉर्ट में CTM। चैनल टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम्स मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ द कूलेंट PST एट द आउटलेट ऑफ ऑल द 306 चैनल्स एंड द डिफरेंट टेम्परेचर। सेकेंड पॉइंट, द डिफरेंट टेम्परेचर ऑफ द 16 सेलेक्टेड चैनल्स। दिस सिस्टम मेनली डिटेक्ट लो कूलेंट फ्लो, अप्लाई करेक्टिव एक्शंस फॉर रिएक्टर सेफ कंडीशंस। And next is provide a signal for flux till it control. And next is help in sufficient fuel management by monitoring channel outlet temperature and other related temperatures. Now, by monitoring channel outlet temperature, it indirectly defects and indicate coolant flow. Abnormal fuel conditions channels. If the channel rise of the coolant in the channel is not excessive. इसमें जो टेम्परेचर राइज बढ़ रहे हैं वह कूलेंट के लिए चैनल जो है नॉट एक्सेसिव है। कंसिडरेबल वेरिएशन इन द वेरिएंट कूलेंट फ्लो कैन बी टॉलरेट विदाउट द फ्यूल और स्ट्रक्चर बेइंग ओवरस्ट्रेस टू डेंजरस एक्सटेंट। एज ए कंसर्न CTM सिस्टम हैज़ इलिमिनेटेड
The necessity of flow monitoring in 95% of fuel channels, greatly reducing the number of flow elements. Two instrument welded joints and mechanical joints which carry heavy water of high pressure and temperature. Only about 5% of the fuel channel, that is 16 out of 306, are flow monitored. These 16 channels are fully instrumented by adding well type RTDS at inlet and outlet to monitor different temperature across the channels. तो आप समझ सकते हैं कि केवल 5% फ्यूल चैनल्स इसमें फ्लो मॉनिटर्स के लिए यूज़ किए जाएंगे, जिसमें 60 चैनल्स आपके फुली इंस्ट्रूमेंटेड यूज होंगे, एडिंग होंगे वेल टाइप आरटीडीएस इनलेट एंड आउटलेट मॉनिटर डिफरेंशियल टेम्परेचर अक्रॉस द चैनल. क्लियर. नेक्स्ट, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ आरटीडी. द फुल फॉर्म ऑफ आरटीडी, resistance temperature detector. The full form is RTD, resistance temperature detector. What is RTD? An RTD, resistance temperature detector, is a basically a temperature sensitive resistor. या आपका जो आरटीडी है basically temperature sensitive resistor है. It is a positive temperature coefficient device. या आपके सकारात्मक टेम्परेचर कोफिशियंट डिवाइस है, विच मीन्स डैट द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीज विद टेम्परेचर. जो आपके रेजिस्टेंस मेटल के इंक्रीज होंगे वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होगा. द रेजिस्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल इज कॉल्ड इस रेजिस्टिविटी. किसी भी मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज होती है रेजिस्टिव की, उसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं. द रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी डिफाइन लेंथ and cross sectional area required to fabricate an RTD of given value. किसी भी जो resistivity properties है उसको हम define कर सकते हैं length and cross sectional area required to fabricate an RTD. जो हमें required है fabricate an RTD resistant temperature detector के लिए of given value, एक given value के लिए. The resistance is proportional to the length and inversely proportional to the cross sectional area. जो आपके resistance है वह proportional होते हैं length के. The resistance is proportional to the length. Length के proportional होते हैं and inversely proportional to the cross sectional area. और जो आपके resistance होते हैं वह inversely proportional होते हैं cross sectional of area. Where R is equal resistance. Resistance आप ohms में measurement करते हैं. तो रेजिस्टेंस को आप कैपिटल आर से शो करेंगे. एज यू कैन सी हियर ऑन द फिगर, यू नो दैट आर इज इक्वल रेजिस्टेंस डैश यूनिट ओम्स. और जो आपका स्मॉल आर है उसको आप बोलते हैं रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल टू प्रोड्यूस द रेजिस्ट अगेंस्ट करंट. आर यू अंडरस्टैंड? ओके. सो कैपिटल एल इज इक्वल लेंथ एंड कैपिटल ए इज इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया. यू कैन सी हियर ऑन द फिगर, दिस इज अ फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस. कैपिटल आर इज इक्वल स्मॉल आर इंटू कैपिटल एल डिवाइड बाई कैपिटल ए. आर टी डी मटीरियल्स. द क्राइटेरियन फॉर सेलेक्टिंग अ मटीरियल टू मेक एन आर टी डी इज द मटेरियल मस्ट बी मेलिएबल सो डैट इट कैन बी फॉर्म इंटू स्मॉल वायर्स. जो आपका मटेरियल होना चाहिए, होना नहीं चाहिए बल्कि जरूरी, मस्ट बी जरूरी मेलिएबल, आघात वर्धनी, जिसको शीट के फॉर्म में आप चेंज कर पाए, स्मॉल वायर्स के फॉर्म में आप चेंज कर पाए. क्लियर. इट मस्ट हैव अ रिपीटेबल एंड स्टेबल स्लोप और कर्व. या आपका जरूरी है, आवश्यक है, इसका होना आवश्यक है. हैव अ रिपीटेबल एंड स्टेबल स्लोप एंड कर्व. स्टेबल स्लोप ढलान हो और कर्व की आकृति में हो. द मटेरियल शुड आल्सो बी रेजिस्टेंट टू कोलिजन. वह मटेरियल आपका चाहिए, वहाँ पे आवश्यक था, मस्ट. द मटेरियल मस्ट बी मेलिएबल टू सो दैट इट कैन बी फॉर्म इंटू स्मॉल वायर्स. वह स्मॉल वायर के फॉर्म में चेंज हो. इट मस्ट हैव अ रिपीटेबल एंड स्टेबल स्लोप आर कर्व. बट
यहाँ पे क्या है, थर्ड पॉइंट में आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, द मटेरियल शुड आल्सो बी रेजिस्टेंट टू कोरोजन। यहाँ पे चलिए शुड आल्सो, चलिए मटेरियल कैसा चलिए आपका, मटेरियल आपका कोरोजन, जिसमें जंग ना लगे, जिसमें जो मटेरियल है उसका संक्षारण ना हो, छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड ना हो। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है स्क्रीन पे देख सकते हैं, द मटेरियल शुड बी लो कास्ट, जो आपका मटेरियल हो वो लो कास्ट में अवेलेबल हो, ऐसा ना हो कि हाई कास्ट में हो, लोग उसको प्रीफर ना कर पाए, उसको बाय ना कर पाए, खरीद ना पाए। क्लियर, इट इज़ अ प्रीफर्ड दैट द मटेरियल हैव अ लीनियर रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर स्लोप। या मटेरियल जो है प्रीफर करे किस चीज़ को, लीनियर रेजिस्टेंस को और टेम्परेचर स्लोप को भी या प्रीफर करें। वन ऑफ कॉमन आरटीडी मटेरियल्स इज प्लेटिनम, जो एक कॉमन आरटीडी मटेरियल है वह आपका है प्लेटिनम। क्लियर, विथ अ टेम्परेचर कोफिशियंट 0.00385 टू 0.003923 ओम्स ओम पर ओम डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रैक्टिकल टेम्परेचर रेंज ऑफ -40452 टू +1100 डिग्री फारेनहाइट, -269 टू +593 डिग्री सेंटीग्रेड। द प्लेटिनम आरटीडी हैज़ द बेस्ट एक्यूरेसी एंड स्टेबिलिटी अमंग द कॉमन आरटीडी मटेरियल्स। द रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर कर्व इज फेयरली लीनियर एंड टेम्परेचर रेंज इज द वाइडेस्ट ऑफ कॉमन आरटीडी मटेरियल्स। प्लेटिनम हैज़ अ वेरी हाई रेजिस्टिविटी विच मीन्स डेट ओनली अ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ प्लेटिनम इज रिक्वायर्ड टू फेब्रिकेट अ सेंसर एंड मेकिंग प्लेटिनम कास्ट कम्पिटेटिव विथ अदर। सो आप समझ सकते हैं आरटीडी मटेरियल प्लेटिनम इज ओनली आरटीडी कॉमनली अवेलेबल विथ अ थिन फ्लेम एलिमेंट स्टाइल। प्लेटिनम इज प्राइमरी चॉइस फॉर मोस्ट इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल लेबोरेटरी एंड अदर क्रिटिकल आरटीडी टेम्परेचर मेजरमेंट। कॉपर निकिल एंड निकिल आयरन आल्सो कॉमनली यूज आरटीडी मटेरियल, जो आपके और भी कॉमन मटेरियल आपके क्रिटिकल आरटीडी टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं उसमें आपके कॉपर आते हैं, निकिल आते हैं, निकिल आयरन सारे आपके कॉमनली यूज आरटीडी मटेरियल्स है, विच आर यूजली यूज इन लो कॉस्ट नॉन क्रिटिकल एप्लीकेशन। सबसे लो कास्ट में अवेलेबल हो जाते हैं और नॉन क्रिटिकल एप्लीकेशंस इसके हैं, कोई भी आपके इसमें दुर्घटना घटने के चांसेस नहीं है। रेफरेंस ग्रेड प्लेटिनम इज मेड फ्रॉम 99.999% प्योर प्लेटिनम। इट विल बी प्रोड्यूस अ मैक्सिमम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ 0.03926 म्यू ओम ओम डिग्री सेंटीग्रेड। द मैक्सिमम टेम्परेचर कोफिशिएंट कैन ओनली बी अचीव इन द स्टैंडर्ड प्लेटिनम रेजिस्टेंट थर्मोस्टेटर्स SPRT। That is SPRT, आपके स्क्रीन पे एक शब्द है SPRT, इसका फुल फॉर्म स्टैंडर्ड प्लेटिनम, S फॉर स्टैंडर्ड, P फॉर प्लेटिनम, R फॉर रेजिस्टेंस एंड T फॉर थर्मोमीटर्स, फॉर लेबोरेटरी यूज के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसी सीरीज में हम लोग आगे देखते हैं हमारे सामने स्क्रीन पर इंपॉर्टेंट मेजरमेंट एंड नेप्स। इंट्रोडक्शन, जानेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है नेप्स में। इट इनकम्पासेस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ वायरस प्लांट पैरामीटर्स प्रिंसिपल ऑफ रिडंडेंसिंग। आप समझ सकते हैं कि नरोड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन जो भारत का सबसे बड़ा एक पावर स्टेशन है और चौथे नंबर के पावर स्टेशन में आते हैं, तो यहाँ से आपके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ पे बहुत सारे डेटा को एक जगह से दूसरी जगह आप सेंड करना होता है, शेयर करना होता है, तो इन सारे डेटा में कई तरीके के वायरस भी आ सकते हैं। डेटा अगर आपका बाई मिस्टेक हो गया तो कितनी सारी लॉसेस हो सकती है, कितने लाइफ आपके ख़त्म हो जाएंगे, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यह चीज़ें बताया गया कि कुछ पैरामीटर्स और प्रिंसिपल्स होते हैं रिडंडेंसिंग के, जो वायरस को आपको कंट्रोल करें उसको, डाइवर्सिटी टेस्टेबिलिटी एंड मेंटेबिलिटी और गिवन प्राइम कंसिडरेशन, और फिर आपका हाई डिग्री ऑफ ऑटोमेशन इज एम टू प्रमोट रिलायबिलिटी। हाई डिग्री ऑफ ऑटोमेशन इसमें इसका मुख्य उद्देश्य प्रमोट करना है रिलायबिलिटी, विश्वास को बनाए रखना है। द सिस्टम इज डिजाइन टू कन्फर्म टू फेल टू सेफ क्राइटेरिया। यह सिस्टम इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि यह कन्फर्म करे कि आप सेफ क्राइटेरिया में है। ऑल विजुअल इंडिकेशन टू कंट्रोल विच मे रिक्वायर इंटरवेंशन ड्यूरिंग एप्लीकेशन इज लोकेटेड इन सिंगल कंट्रोल रूम। द सेफ्टी सिस्टम आर जनरली ट्रिपिक्लेस। The safety function achieved by 2 out of 3 logics. Each channel is totally independent
of other channels with separate sensor single handling equipment, cables, routes and power supply. In channel temperature monitoring system, only two channels are used with coincident logic of 2 out of 2 to reduce the power. इस system में आपके दो आपके coincident logic use किए जाते हैं जो पावर को रिड्यूस करती है. द इंस्ट्रूमेंट फॉर द कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन सिस्टम स्केप एंड इंडिपेंडेंट ईच अदर. जितने भी आपके स्टूडेंट इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं उनके कंट्रोल के लिए, उनके प्रोटेक्शन सिस्टम को बनाए रखने के लिए यहाँ पे केप सभी पे रखा जाता है एक इंडिपेंडेंट ईच अदर प्रत्येक पे. अ कंप्यूटर इज बेस्ड ऑपरेटर इंफॉर्मेशन सिस्टम इज यूज फॉर ऑल डेटा इंफॉर्मेशन डिस्प्ले फॉर ऑपरेटर. यह कंप्यूटर जो है वो सारे डेटा को डिस्प्ले पर सभी के सामने शो करता है. इफ़ एनी डिफॉल्ट अक्यूर द सिस्टम इट विल इन्फॉर्म द ऑपरेटर बाय ऑडियो विजुअल विंडो अनाउंसिएट सिस्टम. इसमें इस प्रकार से बाय डिफॉल्ट क्रिएट किया गया होता है, सिस्टम को बनाया गया होता है कि कोई भी छोटी से छोटी मिस्टेक को भी, अगर मिस्टेक बाय मिस्टेक हो जाती है तो उन चीज़ों को भी इन्फॉर्म किया जाएगा, ऑपरेटर को इन्फॉर्म किया जाएगा बाय ऑडियो विजुअल, ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, विंडो अनाउंसिएशन सिस्टम के माध्यम से. विच इज़ प्रोवाइडेड ऑन कंट्रोल रूम पैनल्स टू कवर सर्टेन एजेंशियल पैरामीटर. और आपको प्रोवाइड करेंगे कंट्रोल रूम के माध्यम से कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कर पाए, इस प्रॉब्लम को कैसे आप हैंडल कर पाए, कैसे आप कवर कर पाए सर्टेन एजेंशियल पैरामीटर्स को, जिससे कि एबनॉर्मेलिटी कंडीशन को फिर नॉर्मेलिटी कंडीशन में लाया जा सके. नेक्स्ट आपके सामने है प्रेशर मेजरमेंट. प्रेशर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वेरिएबल एनकाउंटर इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट. प्रेशर सबसे इम्पॉर्टेंट वेरिएबल एनकाउंटर है न्यूक्लियर पावर प्लांट में. क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपके न्यूक्लियर के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है और वहाँ पे आपके यूरेनियम पे इलेक्ट्रॉन के बम्बार्डमेंट कराई जाती है, जिससे यूरेनियम और प्लूटोनियम प्लूटोनियम में डिवाइडेड होते हैं. तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि मैक्सिमम क्वांटिटीज़ में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उस हीट एनर्जी को ड्राइवर्स के माध्यम से टर्बो स्टीम में चेंज किया जाता है वाटर को. स्टीम के माध्यम से स्टीम टरबाइन को चलाई जाती है और स्टीम टरबाइन हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है. उस इलेक्ट्रिसिटी से मेन पावर हाउस को, मेन पावर हाउस से स्टेशंस को, इलेक्ट्रिक स्टेशन से और इलेक्ट्रिक स्टेशन से सब इलेक्ट्रिक स्टेशन को और सब इलेक्ट्रिक स्टेशन से पावर हैंडलिंग को ट्रांसफ़र करके इलेक्ट्रिसिटी का सिटी में प्रोवाइड की जाती है. प्राइमरी हीट ट्रांसपोर्ट इज प्रेशराइज टू प्रिवेंट वेपर फ्लैशिंग एंड डस्ट पावर फ्लक्चुएशंस. मॉडरेटर पंप सक्शन प्रेशर इज कंट्रोल टू इंश्योर दैट हीलियम सर्कुलेटिंग टैंक विल नॉट फूड अंडर सर्टेन कंडीशंस. जो मॉडरेटर पंप आपके हैं सक्शन प्रेशर के लिए कंट्रोल किए जाते हैं और यह इंश्योर करते हैं कि जो हीलियम सर्कुलेटिंग टैंक्स है वह आपका नॉट फूड अंडर सर्टेन कंडीशन में ना हो. स्टीम प्रेशर इज कंट्रोल टू इंश्योर इकोनॉमिक इफिशेंसी एंड पावर कंट्रोल. जो स्टीम प्रेशर आपके हैं वह कंट्रोल हो, इंश्योर करें इकोनॉमिकल, जो अधिक ज़्यादा लागत के वो ना हो. प्रेशर इज एक्चुअल द मेजरमेंट ऑफ फोर्स. जो प्रेशर है वास्तविक रूप से मेजरमेंट करता है किसका, फोर्स का. एक्टिंग ऑन एरिया ऑफ सरफेस, जो किसी एरिया के सरफेस पे काम कर रहा हो, वर्क कर रहा हो. द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आर आइडर इन पाउंड पर स्क्वायर इंच, PSI, पाउंड पर स्क्वायर इंच. इन ब्रिटिश यूनिट्स आर पास्कल, PA इन मेट्रिक. 1 PSI इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 7000 PA. कॉमन प्रेशर डिटेक्टर्स आर डायफ्राम, स्टैंड गेज एंड बॉर्डन ट्यूब्स, डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर्स. स्केल ऑफ प्रेशर मेजरमेंट इज फर्स्ट आपका है गेज प्रेशर एंड सेकेंड आपका एब्सोल्यूट प्रेशर एंड नेक्स्ट इज वैक्यूम स्केल. यूजली सिचुएटेड स्टेट इन इंच ऑफ मर्करी बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पी गेज इज इक्वल पी एब्सोल्यूट एंड पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, पी वैक्यूम इज इक्वल पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस पी एब्सोल्यूट प्रेशर. अगर आपको पी गेज प्रेशर गेज
गेज के प्रेशर को फाइंड आउट करना है तो एब्सोल्यूट प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिड्यूस करेंगे तो आपको गेज का प्रेशर फाइंड आउट हो जाएगा। अगर आपको वैक्यूम का प्रेशर फाइंड आउट करना है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से एब्सोल्यूट प्रेशर को माइनस करेंगे, रिड्यूस करेंगे तो आपको वैक्यूम की प्रेशर फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट आपका है टेम्परेचर मेजरमेंट। द प्राइमरी सेंसर यूज इन द टेम्परेचर मेजरमेंट इज थर्मोकपल T/C, बायोमेटालिक स्ट्रिप एंड रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर डेट इज कॉल्ड RTD। थर्मोकपल टेम्परेचर मेजरमेंट थर्मोकपल कंजिस्ट ऑफ टू पीसेस ऑफ डिससिमिलर मेटल्स विथ आइडर देयर एंड ज्वाइंट टूगेदर। वेन इट इज अप्लाई टू द जंक्शन अ वोल्टेज इन द रेंज ऑफ माइल वोल्टेज MV इज जनरेटेड अ थर्मोकपल इज सेड टू बी अ सेल्फ पावर। ओके, सो रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर यू कैन सी हियर द रेजिस्टेंस ऑफ डिवाइस वेरियस एज द टेम्परेचर इंक्रीज। RTD इज वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट टेम्परेचर सेंसर। नॉट ओनली डज इट प्रोवाइड गुड एक्यूरेसी, इट ऑल्सो प्रोवाइड एक्सीलेंट स्टेबिलिटी एंड रिपीटेबिलिटी। नेक्स्ट आपका है लेवल मेजरमेंट। द मेजरमेंट ऑफ लेवल इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट अज्यूम सिंपल सिग्निफिकेंस। आपको जो मेजरमेंट लेवल करना है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, आपको अज्यूम करके मान के चलना सिंपल सिंप्लीफिकेशन में, स्पेशली इन हैवी वाटर सिस्टम एज कैन बी सीन फ्रॉम द बिलो गिवन एग्जाम्पल। स्पेशली जो हैवी वाटर सिस्टम है उसके लिए आपको नीचे के कुछ एग्जाम्पल्स है उसको आपको फॉलो करना है। मॉडरेटर लेवल इज मेजर एंड कंट्रोल फॉर रिएक्टिविटी एडजस्टमेंट। जो मॉडरेटर का लेवल है उसको मेजरमेंट और कंट्रोल करने के लिए रिएक्टिविटी एडजस्टमेंट यूज करेंगे। डम्प टैंक सम्प लेवल इज अ मेजर टू इंश्योर अ लो लेवल विल नॉट लीड टू डम्प कैविएशन। स्टोरेज टैंक लेवल इज अ डायरेक्ट इंडिकेशन ऑफ हैवी वाटर कंटेंट्स और ड्रॉप इन लेवल कुड बी ओनली बिकॉज ऑफ लीकेज। बॉयलर ड्रम लेवल इज मेजर एंड कंट्रोल टू प्रोवाइड एडुकेट हीट सिंक फॉर द रिएक्टर एंड टू मैच द रिक्वायरमेंट ऑफ सिस्टम टू टर्बाइन। अल्ट्रासोनिक मेथड ऑफ लेवल इंस्ट्रूमेंट लेवल मेजरमेंट द अल्ट्रासोनिक ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंसर। जो आपके अल्ट्रासोनिक ऑपरेट होते हैं वह सेंसर के प्रिंसिपल पे ऑपरेट होते हैं। साउंड वेव्स आर सेंट आउट टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड अंडर टेस्ट आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द रिसीविंग यूनिट। लेवल चेंजेस आर एक्यूरेटली मेजर्ड बाय डिटेक्टिंग द टाइम इंटरवल्स टेकन फॉर द वेव्स टू ट्रेवल टू द सरफेस एंड बैक टू द रिसीवर्स। द लॉन्गर द टाइम इंटरवल द फर्दर अवे इज द लिक्विड सरफेस विच इन टर्म इज एन लोकेशन ऑफ लेवल मेजरमेंट। द अल्ट्रासोनिक गेज नीड्स फिजिकल कॉन्टेक्ट विद द मटीरियल। इट इज नॉन डिस्टर्बेंस टेक्निक्स, इट कैन बी यूज फॉर सॉलिड एंड लिक्विड मटीरियल लेवल मेजरमेंट। नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन फ्लो मेजरमेंट। द फ्लो मेजरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोसेस इंडस्ट्रियल बिकॉज इट इज इस्टेब्लिश डिफाइंड रेशियो एंड क्वान्टिटीज ऑफ प्रोसेस मटीरियल फॉर प्रोडक्शन क्वान्टिटी कंट्रोल। द फ्लो मेजरमेंट सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है इंडस्ट्रीज का, क्योंकि यह आपका इस्टेब्लिश डिफाइन किया गया है रेशियो एंड क्वान्टिटीज ऑफ प्रोसेस की मटीरियल की क्वान्टिटीज को कि प्रोडक्शन क्वान्टिटी कंट्रोल कैसे किया जाना है। इन न्यूक्लियर प्लांट में फ्लो मेजरमेंट इज क्रिटिकल फॉर कूलिंग लूप्स सच एज कैलेंडरा स्प्रे फ्लो एडजस्टर रॉड कूलेंट फ्लो इज मेजर इन सेलेक्टेड चैनल्स ओनली। इन केस ऑफ अदर कूलिंग लूप सच एज ब्लड कुकर मॉडरेटर हीट एक्सचेंजर अ लो प्रोसेस वाटर फ्लो वुड रिजल्ट इन हाई आउटलेट टेम्परेचर। इन मॉडरेटर सर्कुलेशन सिस्टम अ लो फ्लो कुड पॉइंट टूवर्ड्स कैविएशन ऑफ पम्प्स। इन टर्बाइन जनरेटर स्टीम्स फ्लो डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द लोड। फ्लो कैन बी मेजर्ड बाई वेंचुरी मीटर।
जो आपका फ्लो है वेंचुरी मीटर के माध्यम से मेजरमेंट करते हैं, वेंचुरी ट्यूब के माध्यम से फ्लो मेजरमेंट। आप समझ सकते हैं कि यह इम्पोर्टेंट प्रोसेस है इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपके डिफाइन होते हैं रेशियो और क्वांटिटीज कि किस रेशियो में आपके किस क्वांटिटीज में आपके मटेरियल यूज़ किए जाएंगे और कितना प्रोडक्शन होगा। क्लियर। इन न्यूक्लियर प्लांट्स फ्लो मेजरमेंट इज क्रिटिकल, या आपके क्रिटिकल है मेजरमेंट के लिए। कूलिंग लूप से सच एज कैलेंडरा स्प्रे फ्लो होता है, यहाँ पे एडजस्ट किया जाता है। कूलेंट फ्लो इज मेजर, कूलेंट फ्लो को भी मेजर किया जाता है। सेलेक्टेड जो भी चैनल आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए कूलेंट फ्लो को आप मेजर करेंगे उस चैनल में। इन केस ऑफ अदर कूलिंग लूप अगर आपको मेजर करना है, जैसे ब्लड कुकर, मॉडरेटर, हीट एक्सचेंजर, तो ये सारे भी आप मेजर करती हैं। अ लो प्रोसेस वाटर फ्लो वुड रिजल्ट इन हाई आउटलेट टेम्परेचर। जो लो प्रोसेस वाटर आपके फ्लो होते हैं उनकी रिजल्ट हाई टेम्परेचर होती है। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को, फ्लो मेजरमेंट को आप समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं वेंचुरी ट्यूब, द फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू द वेंचुरी ट्यूब इस्टेब्लिश द प्रेशर डिफरेंशियल विच कैन देन बी मेजर एंड रिलेटेड टू द फ्लो रेट। इन दिस ट्यूब अ लार्ज प्रेशर रिकवरी कैन बी मेड एंड फ्लो कैन ट्रेवल थ्रू इट विथ मच हायर वेलोसिटी विदाउट द टर्बुलेंस विच डिस्ट्रॉयज द एक्यूरेसी ऑफ ऑर्फिस प्लेट। वेंचुरी ट्यूब की मदद से आप फ्लो ऑफ लिक्विड को मेजर कर पाएंगे, जो कि वेंचुरी ट्यूब आपके बनाए गए हैं प्रेशर डिफरेंशिएशन के लिए। विच कैन बी मेजर, यह मेजर कब किया जाएगा, जब आपका फ्लो रेट को फाइंड आउट करना है। इन दिस ट्यूब अ लार्ज प्रेशर रिकवरी, इस ट्यूब के माध्यम से लार्ज प्रेशर रिकवरी को भी बनाई जा सकती है। क्लियर। इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल मेंटेनेंस सेक्शन, जिसको बोलते हैं CMS शॉर्ट में, कंट्रोल मेंटेनेंस सेक्शन। कंट्रोल मेंटेनेंस सेक्शन इज एन इंस्ट्रूमेंट मेंटेनेंस सेक्शन डेट कैरीज आउट ऑल द कंट्रोल सिस्टम जॉब्स। कंट्रोल मेंटेनेंस सिस्टम जिसको SMS बोलते हैं, सॉरी CMS बोलते हैं, वह आपके इंस्ट्रूमेंट को एक्चुअली में मेंटेनेंस करने का काम करता है। क्लियर। जितने भी आपके कंट्रोल सिस्टम जॉब रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट हैं उनको क्लियर राइट वे में वर्क कराने का काम करता है। कैलिब्रेशन लैब, लैब को कैलिब्रेट कराता है, आल्सो नोन एज लैब इंस्ट्रूमेंट टेस्टिंग लेबोरेटरी। ठीक है, जो कैलिब्रेट कैलिब्रेशन है आपका, वह नेप्स इंस्ट्रूमेंट टेस्टिंग लेबोरेटरी इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ CMS। क्लियर। दिस टाइप कंजिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड मास्टर इंस्ट्रूमेंट विच आर कैलिब्रेटेड पीरियोडिकली एंड कैन बी फर्दर यूज इन द फील्ड। रोल ऑफ कैलिब्रेशन लैब इन कंट्रोल मेंटेनेंस सेक्शन, द मेंटेनेंस स्टैंडर्ड ऑफ ऑल मास्टर इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ERTL एंड NBL। जो मेंटेन करते हैं स्टैंडर्ड को, कि जितने भी आपके ऑल मास्टर इंस्ट्रूमेंट हैं, कुछ मास्टर इंस्ट्रूमेंट होते हैं और कुछ आपके विदाउट मास्टर इंस्ट्रूमेंट होते हैं प्रोडक्शन के लिए। तो मास्टर इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हम पैरामीटर्स को स्टैंडर्डाइज करते हैं टू मेंटेन हेल्थीनेस ऑफ ऑल मास्टर इंस्ट्रूमेंट। जितने भी आपके मास्टर इंस्ट्रूमेंट हैं वह प्रॉपर वर्क कर ले, उसके मेंटेनेंस के लिए आपका CMS है। टू कैलिब्रेट ऑल टेस्ट इक्विपमेंट विथ मास्टर इक्विपमेंट, जितने भी आपके टेस्टिंग इक्विपमेंट हैं उसको कैलिब्रेट किया जाता है मास्टर इक्विपमेंट के साथ। CMS मेंटेन हेल्थीनेस ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट ऑफ द प्लांट विद द हेल्प ऑफ रूटीन चेक्स, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, अटेंड ब्रेकडाउन मेंटेनेंस जॉब अर्लीस्ट विदाउट अफेक्टिंग पावर जनरेशन। एक्चुअली इन NAPS CMU लैब इज डिवाइडेड इंटू 3 सेक्शन। जो CMS आपका है मेंटेनेंस करता है हेल्थीनेस, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, प्लांट के जो रूटीन्स हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है, अटेंड ब्रेकडाउन मेंटेनेंस भी अटेंड करना होता है इनका काम।
विदाउट अफेक्टिंग 5 जनरेशन, बिना 5 जनरेशन को अफेक्ट किए हुए। तो इसको नेफ सीएमयू लाइफ को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका इलेक्ट्रो टेक्निकल लैब, दूसरा आपका टेम्परेचर लैब, तीसरा आपका प्रेशर लैब। इलेक्ट्रो टेक्निकल लैब जो टेम्परेचर है 25 ± 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी 35 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड 35 to 65% एंड बी टेम्परेचर लैब, टेम्परेचर 25 ± 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी 35 to 65% एंड सी प्रेशर लैब, टेम्परेचर इज इक्वल 23 ± 1.0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रिएक्टिव ह्यूमिडिटी 45 to 55 डिग्री 55%। तो इस प्रकार से अब हम कंट्रोल रूम कंप्यूटर सिस्टम जिसको CRCS भी कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। CRCS सिस्टम इज अ कंप्रहेंसिव इंफॉर्मेशन स्टोरेज रिट्राइवेयर सिस्टम विथ वराइटीज ऑफ फीचर्स विच आर एक्सक्लूसिव डिजाइन अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेटर्स। इट इज मीन्ट ऑफ एक्वायरिंग डेटा फ्रॉम होस्ट, प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटिंग टू द ऑपरेटर विद द इंफॉर्मेशन रिक्वायर टू द चेक द हेल्थीनेस ऑफ द प्लांट एंड एनालाइज इट्स बिहेवियर ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन। जो आपका CRCS है वह इस सिस्टम की भांति कार्य करता है। जो भी आपके इसका डिजाइन इसलिए किया गया है क्योंकि जो भी फीचर्स है आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऑपरेटर जो भी वर्क कर रहे हैं या फिर जो भी रिजल्ट मिल रहा है, जो भी डेटा मिल रहा है उसको हॉस्ट कर सके, प्रोसेसिंग कर सके, उस पर प्रेजेंट कर सके ऑपरेटर के इंफॉर्मेशन के साथ साथ उनको किसी चीज़ को लेके इन्फॉर्म कर सके या जांच सके कि जो प्लांट है आपका हेल्थीनेस वर्क कर रहा है या नहीं। तो इन सारी चीज़ों के लिए CRCS इज अ कॉन्फिगरेड एज अ क्लाइंट सर्वर कॉन्फिगरेशन बिल्ट अराउंड इन इथरनेट सॉरी लैन। द सर्वर्स आर ड्यूल रेडंडेंट वर्किंग इन एक्टिव एज वेल एज हॉट स्टैंडिंग मॉडल। दिस लैन इज कॉल्ड वर्क स्टेशन लैन WS LAN। द CRCS प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन विच वॉज यूजली डिस्प्लेड ऑन पैनल मीटर्स इन अर्लियर प्लांट। इट इज़ यूज फॉर डायनेमिक वैल्यू बार ग्राफ डिस्प्ले, ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ प्लांट पैरामीटर्स, अलार्म रिपोर्टिंग, ट्रेंडिंग, नेमिक डिस्प्ले, डिस्टर्बेंस रिकॉर्डिंग एक्सेट्रा। दिस सिस्टम इज यूज फॉर डेटा कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट पर्पज। दिस सिस्टम हैज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपके स्क्रीन पे सिस्टम के कुछ पॉइंट हैं। 1200 एनालॉग पॉइंट ऑफ फील्ड पैरामीटर्स मॉनिटरिंग, 1280 डेट इज सो डिजिटल इनपुट पॉइंट फॉर फील्ड कॉन्टैक्ट मॉनिटरिंग, 256 डेट इज सो इवेंट सीक्वेंस रिकॉर्डेड डिजिटल इनपुट पॉइंट्स एंड 128 डिजिटल आउटपुट पॉइंट्स फॉर DNM प्रोसेसिंग, TRITM इन एयर मॉनिटरिंग। इस प्रकार से सिस्टम डिस्क्रिप्शन आप समझ लीजिए क्या है। बफर थर्मल कैबिनेट जिसको BTC शॉर्ट में बोलते हैं। ऑल द फील्ड सिग्नल आर टर्मिनेटेड एट द BTC पैनल्स। फ्रॉम BTC एनेडर केबल इज कनेक्टेड टू डिफरेंट पैनल्स फॉर CRCS। IO पैनल्स, देयर आर 4 IO पैनल्स इन CRCS। 1 IO पैनल्स इन having 300 analog points, 320 digital input points and 32 digital input points and 32 digital output points. Analog field input is terminated as signal conditioning modules SCM through BTC. signal conditioning module jisko short mein SCM naam se jante hain. All the analog signal are terminated at SCM. SCM provides isolations and conditioning of the signal. The output of SCM is uniform, that is 0.5 VDC to 4.5 VDC signal. The SCM converts all field signal in the range of 0.5 voltage to 4.5 voltage DC. This signal is connected to analog input AI card. AI, that means analog input.
30 such input are connected to one AI card and 10 such AI card are there is one that is IO. These AI card are used to multiplexing and converting the signal from analog to digital. 32 channel ADC and multiplex are used in AI card channel number 16 and channel number 32 are used as a reference low and reference high channels. Digital input card. The field input connected contact are terminated at the digital IP card through BTC32. Such field input are connected to each digital card. 10 such digital input card are available in such IO. Each IO handles 320 numbers. Potential free field contact suitable for 24 VDC operation and voltage level inputs. IO BIOS interface card. इसी प्रकार से आपको IO BIOS to IOS BIOS इंटरफेस कार्ड, इंडस्ट्रियल PC, सर्वर, डिस्प्ले स्टेशंस, ये सारे कुछ पॉइंट है, पावर सप्लाई है, जो आपके देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पावर सप्लाई यूज फॉर वन IO सिस्टम, 24 VDC फॉर SCM पावर सप्लाई एंड डिजिटल कॉन्टैक्ट इनपुट्स, प्लस माइनस 15 VDC फॉर ऑपरेशनल एम्पलीफायर, प्लस 5 वोल्टेज DC फॉर लॉजिक गेट, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड नेप्स, इसके बारे में जान लेते हैं। वेरी स्मॉल एपरेटर टर्मिनल VSAT सेटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कम्युनिकेशन सिस्टम आपके सेटेलाइट के माध्यम से होते हैं वो भी आपके VSAT इंस्टॉल होते हैं एट नेप्स पे डेटा को कलेक्ट करने के लिए, शेयर करने के लिए। अ वेरी स्मॉल एपरेचुअल टर्मिनल VSAT इज अ टू वेल सेटेलाइट ग्राउंड स्टेशन विथ अ डिश एंटीना दैट इज अ स्मॉल देन 3 meter VSAT data rates typically range from narrow band up to 4 meter bits per second. VSAT is a satellite in the geosynchronous orbit to relay data from small earth station terminals to other terminals to mesh configuration or master earth station hubs in star configuration. So VSAT end user needs a box that interface between the user's computer and outside antenna with a transceiver. The transceiver receive or send the signal to a satellite transponder in the sky. The satellite send the receive signal from the earth station's computer that acts hub for the system. Each end user is interconnected with the hub stations view the satellite in a star topology. For one end user to communicate with another, each transmission has to first go to hub stations, which transmitter it view the satellite to the other end users. VSAT handles data, voice and video signal. जो आपके VSAT data है वीडियो और वॉइस सिग्नल को हैंडल करता है। VSAT offers a number of advantage over terrestrial alternative for private applications. Companies can have total control of their own communication system without depends on their company's business, and home users get higher speed reception than if using ordinary telephone services. तो अभी आपने ऊपर जो जाना है वह है वेरी स्मॉल एपरेटियल टर्मिनल VSAT सेटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में। अब आप पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन के बारे में समझ लीजिए। अपार्ट फ्रॉम अदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन लाइक टेलीफोन सिस्टम, एक पार्ट है जैसे कि कम्युनिकेशन सिस्टम आपके होते हैं टेलीफोन के माध्यम से या फिर वायरलेस के माध्यम से, तो यह भी एक आपका पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन भी है। जो ट्रांसमिशन लाइन आपके होते हैं जैसे पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन हो गया, जिसको PLCC बोलते हैं, पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन हो गया। यह सिस्टम क्या करता है, प्रोवाइड कराता है डायरेक्ट और इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन किसके बीच में, मेन प्लान और अदर सब स्टेशन के बीच में। तो जो पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन है वह मेन प्लान और अदर सब स्टेशन के बीच में कम्युनिकेशन को प्रोवाइड कराता है। एंड लोड डिस्पैच सेंटर ऑफ यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, क्लियर, लोड डिस्पैच सेंट्रल ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ग्रिड, दिस विल बी एक्सक्लूसिव यूज फॉर कम्युनिकेशन इन रिलेशन टू पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल। यह इसलिए प्रोवाइड कराता है जिससे कि
जो रिलेशन और पावर सिस्टम ऑपरेशन और कंट्रोल के लिए वह इजीली हो सके। द कैरियर कम्युनिकेशन सिस्टम इज कपल्ड टू द 220 kV पावर लाइन्स थ्रू कपलिंग कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स। क्लियर। पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, और पब्लिक एड्रेस सिस्टम PA सिस्टम भी बोलते हैं इसको, इज एन इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफिकेशन सिस्टम। आपका एक इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफिकेशन सिस्टम है विथ अ मिक्सर एम्पलीफायर एंड लाउड स्पीकर, जो मिक्स होता है एम्पलीफायर लाउड स्पीकर और मिक्सर के साथ, यूज टू रेनफोर्स अ साउंड सोर्स डेट इज अ पर्सनल गिविंग अ स्पीच और DJ प्लेइंग प्री रिकॉर्डेड म्यूजिक एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द साउंड थ्रू आउट अ वेन्यू ऑफ बिल्डिंग। फिर आपके कुछ स्मॉल सिस्टम्स होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, या आपका सिंपलेस्ट PA सिस्टम कंजिस्ट है, इसको माइक्रोफोन, मॉडेस्टल पावर मिक्सर एम्पलीफायर, वन मोर लाउड स्पीकर आप शो हो रहा है। तो इस प्रकार से इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शंस हैं। फिर लार्ज सिस्टम्स होते हैं आपके, जो कि स्पीकर्स कवर इंटायर कंपियर्स ऑफ अ कॉलेज और इंडस्ट्रियल साइट के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यह सम एनालॉग आर IP, जिसको प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंजर टेलीफोन सिस्टम यूजर पेगिंग फैसिलिटी डेट एक्ट लेयर्स ऑन बिटवीन द टेलीफोन एंड PA एम्पलीफायर्स यूज़ किए जाते थे। तो सम एनालॉग IP प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज, जिसको PBX टेलीफोन सिस्टम यूज किए जाते हैं, उन सब के बारे में अभी आपको दिखाया हमने। अब जो यह आपके जो ट्रेनिंग रिपोर्ट नरोड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन पे हमने आपको आज चर्चा की है, डिस्कस की है, आपको अवेयर की है, वह आपके जो रेफरेंस हैं, जो कंटेंट हमने कवर किए हैं, लिए हैं, वह आपके विकिपीडिया के माध्यम से इंफॉर्मेशन को हमने कलेक्ट किया, NPCIL के माध्यम से हमने इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, न्यूक्लियर फिजिक्स के कुछ हमने कॉन्सेप्ट को, इसमें कुछ कंटेंट्स को हमने कवरअप किया, NAPS, STC गाइडेंस, और कुछ हमने ट्रेनिंग में कुछ इंस्टीट्यूट से, सर लोगों से, और यूट्यूब और विकिपीडिया के माध्यम से इन कंटेंट को कवरअप करके आप लोगों के सामने शेयर किया। तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।